नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक हैं जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मोजे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमने 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं और इन लेक्चरों में हम अभी तक फ्रॉम वैदिक एरा टू अब गुप्ता पीरियड तक देखा था, और उसके बाद फिर हमने सेकेंड पार्ट जो इसका है वो है मेजर डायनेस्टीज ऑफ छत्तीसगढ़, तो उसमें हम स्टार्ट किए थे। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ कुछ डायनेस्टी हम पढ़े थे, राजर्षि तुल्य डायनेस्टी, फिर लास्ट में जो अभी लास्ट हम पिछले लेक्चर में खत्म किए थे वो था शरदपुरी डायनेस्टी। उसके बाद आज के लेक्चर सीरीज में हम इसके आगे जाते हैं और कुछ जो दो चार डायनेस्टी और बच गई हैं उनको आज हम इस लेक्चर में खत्म करते हैं, ठीक है। तो जो इसके बाद शरदपुरी वंश के बाद, अच्छा कल जो लास्ट लेक्चर में हम शरदपुरी वंश के बारे में बताए थे, तो उसमें लास्ट लास्ट में जो दो रूलर थे वो इससे रिलेटेड थे, जैसे कि सुदेव राज और उसके बाद प्रवर राज टू, ठीक है। तो सुदेव राज के नोबल, मतलब उनके जो एक आदमी थे जो नोबल थे वो थे इंद्रबल, ठीक। और वो इंद्रबल इनके जो लास्ट जो रूलर थे प्रवर राज टू, इनकी वो हत्या किए थे, और उसके बाद एक नया डायनेस्टी फॉर्म किए थे, उसका नाम था पांडु डायनेस्टी, ठीक है। तो अब आज हम लोग इस पांडु डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो वो डेथ वाला जो डिस्क्रिप्शन है वो एक कौवा ताल रिकॉर्ड में मेंशन्ड है जो कि महासमुंद में है, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट डायनेस्टी की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है उन्हीं का, जो इंद्रबल जो डायनेस्टी फॉर्म किए थे उसका नाम था पांडु डायनेस्टी, ठीक है। तो पांडु डायनेस्टी, पांडु डायनेस्टी एक्चुअली, या तो सिर्फ इसको पांडु डायनेस्टी भी बोलते हैं या फिर पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कैपिटल है वो था सिरपुर। आप अगर थोड़ा रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि जो शरदपुरी वंश था उसकी जो कैपिटल थी वो लगभग संबलपुर, ये सारंगढ़ एरिया था जो रायगढ़ वाला एरिया, उसके बाद फिर बाद में वो मल्हार में चले गई थी प्रसन्नपुर के द्वारा, और उसके बाद फिर बाद में वो सिरपुर आई थी, और उसी समय फिर ये सिरपुर उस समय की जो राजधानी बनी वो अभी भी राजधानी है उनकी, ठीक है। अब ये पांडु डायनेस्टी के दो ब्रांच थे, ठीक है। तो इसका एक ब्रांच था आपका पांडु डायनेस्टी, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकॉल, ठीक है। और इसका जो दूसरा डायनेस्टी है वो है पांडु डायनेस्टी जो कि सिरपुर वाले, ठीक है, ये सिरपुर है। तो इस डायनेस्टी को नाम दिया जाता है सोम डायनेस्टी, ठीक है। तो पांडु डायनेस्टी के दो ब्रांच, एक पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकॉल जो हम लोग मैकॉल वाला पांडु डायनेस्टी पढ़े थे, और एक सोम डायनेस्टी ऑफ सिरपुर, तो इसको सोम डायनेस्टी ऑफ सिरपुर कहा जाता है, ठीक है। दो चीज और याद रखिएगा कि इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन, जो अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो दो इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मतलब दो टाइप के इंस्क्रिप्शन थे। एक कॉपर राइटिंग था इनका, जो कॉपर इंस्क्रिप्शन था, और दूसरा जो इंस्क्रिप्शन था वो मतलब ऐसे ही, मतलब एक जनरल मान के चलते हैं कि कोई इंस्क्रिप्शन था, लेकिन ये जो दोनों डिफर कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में वो अलग टाइप से लिखते थे, जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो अलग अलग टाइप से थी। तो इसमें जो कॉपर राइटिंग में जो उनका स्क्रिप्ट था उसको बोलते हैं पेतिका शीर्ष, पेतिका शीर्ष। और जो नॉर्मल इंस्क्रिप्शन में वो स्क्रिप्ट लिखते थे वो था किलाक्षर, किलाक्षर। तो ये दो चीज याद रखिएगा, जो स्क्रिप्ट है वो है कॉपर इंस्क्रिप्शन में पेतिका शीर्ष, और जो नॉर्मल इंस्क्रिप्शन है उसमें किलाक्षर, ठीक है। तो ये दो चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो बता दिए। उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन से एक चीज याद रख लीजिएगा, किलिंजर, किलिंजर बोलते हैं, किलिंजर इंस्क्रिप्शन,
तो जो इनका जो फाउंडर थे, यहाँ पे फाउंडर लिख लेता हूँ, फाउंडर जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे उदयन, उसके बाद अब इनके रूलर्स पे आ जाते हैं, जो इन इस डायनेस्टी में जो मेन मेन रूलर्स थे उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इनके टोटल 8 रूलर हुए थे, ठीक है। तो इनके 8 रूलर के नाम अपन देख लेते हैं। देखिए याद करना, मतलब ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर थे, लेकिन सबको याद करना मुश्किल है, लेकिन कुछ अगर ट्रिक लगाया जाए, कुछ राइम अगर यूज किया जाए तो ये यादें बहुत मतलब आसान ही से याद हो जाता है। तो जो सबसे पहले रूलर है, अब इनके जो रूलर है वो इंद्रबल ने सुदेव राज के जो नोबल थे और प्रवर राज टू को मारे थे, ठीक है। तो जो इंद्रबल है वो इसके रूलर होंगे, लेकिन उसने डायरेक्ट फाउंड नहीं किया, उसके पापा थे उनको वो पहले रूलर बनाए। तो जो इनके पापा हैं वो उदयन हैं, तो इसलिए उदयन सबसे फर्स्ट रूलर और दूसरा इंद्रबल, ठीक है। तो ये दो चीज दो याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे में आते हैं और चौथे में आते हैं, ठीक है। तो तीसरे और चौथे में अब देखिए इंद्रबल के टोटल 4 बेटे थे, ठीक है, और 4, ठीक है। तो चौथा जो ये थे उसमें से सबसे जो मेन जो बाद में किंग बने वो थे नन्नराज। तो नन्नराज को यहां लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब बचे जो 3 भाई और वो कौन कौन थे, तो वो थे एक था सुरबल, ठीक है, एक था ईशान देव और एक था भावदेव। तो ये इंद्रबल के 4 बच्चे और ये चारों, ठीक है। लेकिन जो रूलर बना वो था ये नंदराज, ठीक है। उसके बाद ये जो नंदराज के बाद जो आए वो थे, जो इनके बहुत फेमस रूलर हुए वो थे महाशिव तीवर देव, महाशिव तीवर देव बहुत फेमस रूलर थे। इनको आपको नाम से याद रखना, और कई बार सीजीपीएससी में प्री में ये पूछता है मैच द फॉलोइंग में महाशिव तीवर देव पूछेगा, और कौन से डायनेस्टी से हैं वो याद है, तो याद रखिएगा महाशिव तीवर देव पांडु डायनेस्टी के थे, ठीक है। उसके बाद जो 5वें रूलर आए वो नन्नराज ही नाम था उनका, नन्नराज, इसीलिए इनको फर्स्ट नाम दे देंगे और इनको सेकेंड नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 3 रूलर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थे आपके, एक था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दूसरा हर्षगुप्त और तीसरा है महाशिवगुप्त, ठीक है। तो ये टोटल 8 रूलर हैं जो पांडु डायनेस्टी के हैं, 8ों के नाम आपको याद रख लेने हैं। अब नाम और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा जब उनके बारे में हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो फिर नाम ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है। तो उदयन के बारे में, तो उदयन से याद रख लीजिएगा ये है फाउंडर, ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा कि उदयन थे फाउंडर। उसके बाद इंद्रबल, ठीक है, तो इंद्रबल ने इनसे एक चीज याद रख लीजिएगा, कौवा ताल रिकॉर्ड, ठीक है। तो कौवा ताल रिकॉर्ड के बारे में तो पिछले बार भी जिक्र किए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किए थे कि ये जो उनका प्रवर राज टू का हत्या किए थे वो चीज इसमें मेंशन है कौवा ताल रिकॉर्ड में, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाइए आप, इन लोगों को छोड़ दीजिए, मेन जो आपके नन्नराज वन है इन पे थोड़ा जिक्र करते हैं, ठीक है। तो नन्नराज वन ये लगभग इनके 4 सन में से एक सन है, ठीक है, और जब ये किंग बने तो बाकी 3 भाई को मंडल अधिपति बना दिया, ठीक है। जितने भी उनके जो रूलिंग एरिया थी उसमें इनको वो मंडल अधिपति बना दिए और खुद किंग बन गए, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं हम लोग को जिक्र मिलता है कि भाई इन लोग भी थे यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ पे मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिये सुरबल स से है, इसी को याद रख लीजिएगा, सिरपुर,
ठीक है, तो इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो सिरपुर में मिला, ठीक है। उसके बाद ईशान देव, ठीक है, तो ईशान देव से याद रखिएगा कि जो हमारे लक्ष्मणेश्वर खरौद मंदिर है, ठीक है, तो लक्ष्मणेश्वर लक्ष्मणेश्वर खरौद, ठीक है, वहां से इनका इंस्क्रिप्शन मिला। और भव देव, तो भव से भांडक, भांडक इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों भाई का हल्का का इंस्क्रिप्शन देख लिए, इंद्रबल का भी देख लिया, उद्यन का देख लिया, नंदराज वन का भी हम पढ़े लिए कि नंदराज वन जो इन चारों भाई में से एक थे और अपने भाइयों को वो मंडलाधिपति बनाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं महाशिव तीवर देव, ठीक है, तो ये महाशिव तीवर देव बहुत प्रतापी राजा थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने पांडु डायनेस्टी को उड़ीसा तक एक्सपांड किया था, ठीक है, तो एक्सपांशन लिख लेते हैं, ठीक है, एक्सपांशन, ठीक है। और दूसरी क्या क्वालिटी है इनकी? ये वैष्णव फेथ को बिलीव करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे वैष्णव लिख लेते हैं, वैष्णव, ठीक है, विष्णु भगवान में मानते थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ये जो ऐसे राजा थे जो अपने एरिया को एक्सपांड कर रहे थे, तो इसीलिए इस पीरियड को, इनके जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं राइजिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी, ठीक है, तो राइजिंग पीरियड लिख लेते हैं, राइजिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी। उसके बाद इनका अगर कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है तो कहीं से मिलता है, तो वो है राजिम एंड बालोद, ठीक है। मेजर ये चीज याद रख लीजिएगा कि राइजिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी किसके अंतर्गत आता है, तो वो है महाशिव तीवर देव, वैष्णव फेथ को बिलीव करते थे। और ये फिर नंदराज टू, ठीक है, तो ये नंदराज टू, इनके बारे में देखिए, ये चीजों मतलब अपने एरिया को एक्सपांड कर रहे थे, ठीक है, तो पूरा लगभग उड़ीसा ये जीत चुके थे, इसीलिए अपना टाइटल रखे थे सकल कोसल आधिपति, ठीक है। इसका मतलब है देखिए, सकल मतलब पूरा, कोसल मतलब कोसल राज्य, और आधिपति, ये आधिपति बन गए, तो सकल कोसलाधिपति ये इनका टाइटल था। ये जनरली बार बार पूछता है सकल कोसलाधिपति कौन टाइटल धारण मतलब कैरी करते थे, तो वो महाशिव तीवर देव थे। और ये नंदराज टू, नंदराज टू ये क्या, ये जो टाइटल वो करते थे वो थे देखिए, सकल तो नहीं थे लेकिन कौशल थे, मतलब कोसल राज के कोसल मंडलाधिपति, कौशल मंडलाधिपति। और अब इनके कोई भी सन नहीं थे, इनके कोई बेटे नहीं थे, तो इनकी जो वंश थी वो आगे कैसे बढ़ती? तो उसके बाद ये महाशिव तीवर देव हैं और ये चंद्रगुप्त हैं, ये दोनों भाई भाई थे, तो इनके चाचा हुए, तो ये जो फिर इनके बाद जो रूलर बने वो चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त इनके महाशिव तीवर देव के भाई थे। और इस बात की जानकारी हमको सिरपुर रिकॉर्ड से मिलती है, ठीक है, सिरपुर रिकॉर्ड से। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हुए वो थे हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त में याद रखिएगा, हर्षगुप्त शादी किससे किए थे? तो वो शादी किए थे आपके बसाटा देवी से, बसाटा देवी। अब ये वसाटा देवी कौन है? तो वसाटा देवी मगध जो साम्राज्य था, मगध जो एम्पायर था, उसमें जो राजा थे सूर्यवर्मन, उनकी बेटी थी वसाटा देवी, और उनकी शादी हर्षगुप्त से हुई थी, ठीक है। और इनका एक बेटा हुआ, वो था हर्ष, ये महाशिव गुप्त बाला, और ये बहुत अच्छे धनुर्धर थे, इसलिए ये अपना टाइटल बाला अर्जुन के नाम से रखते थे, ठीक। अब इनके बारे में, हर्षगुप्त के बारे में कुछ जानकारी हमको जयदेव, जयदेव एक रूलर थे जो नेपाल के थे, वहां के इंस्क्रिप्शन से हमको हर्षगुप्त के बारे में हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। और ये बसाटा देवी, देखिए हर्षगुप्त की भी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उनके याद में बसाटा देवी ने सिरपुर में जो उनकी कैपिटल थी वहां पे लक्ष्मण मंदिर बनवाने का फैसला लिया था और स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन
पूरा हो नहीं पाया, जो कि फिर बाद में महाशिव गुप्त बालार्जुन पूरा करेंगे उस मंदिर को, ठीक है। और ये जो मंदिर था वो बहुत मतलब ब्रिक्स से बना हुआ था और गुप्ता आर्किटेक्चर का एकदम एक्सीलेंट परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और हर्षगुप्त भी अपने आप में एक टाइटल धारण करते थे, वो टाइटल था प्राग परमेश्वर, ठीक है, प्राग परमेश्वर, ठीक है। और दूसरा और एक और वो करते थे, वो थे त्रिकलिंग आधिपति। त्रिकलिंग आधिपति का मतलब क्या है? त्रिकलिंग, देखिए उस समय जो कलिंग जो एरिया था उसमें तीन एरिया थे, कोसल, उत्कल और कलिंग, तो ये तीन एरिया को त्रिकलिंग बोलते थे और उनके जो आधिपति बने वो हर्षगुप्त थे, ठीक है। तो हर्षगुप्त के बारे में इतना जानकारी वो है। अब लास्ट आता है जो इस डायनेस्टी का है, वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के लिए हमको एक अलग से पूरा मतलब वो उनका जो वर्क है वो गोल्डन पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ में गिना जाता है। तो गोल्डन इसके बारे में हमको एक अलग से पूरा इंफॉर्मेशन लगेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए, अभी इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू।